ऑडिट करने जाते हैं, सोशल ऑडिट करने, उनको कुछ घंटों में सारी खामियां नजर आती हैं, बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये उनको नजर आ जाता है, बच्चों का हैंडकप में रखा जाता है, बांध के रखा जाता है, ये उनको नजर आ जाता है, तमाम तरह का फाइनेंशियली इरेगुलेटरी नजर आ जाती है, तमाम तरह का जो रूल्स का फॉलो नहीं रहे वो नजर आ जाता है कुछ घंटों में, क्योंकि सिर्फ एक बालगृह का एक बालिका गृह का नहीं हुआ, 110 का हुआ है। और उस रिपोर्ट में 110 में से मात्र 6 का हालात ठीक बताया गया, 104 की हालत अच्छी नहीं है। ये मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक आईएएस से दूसरे आईएएस का कम्युनिकेशन वो लेकर मेरे पास है। आखिर ये कौन सा, मैं बार बार सरकार से पूछता हूं और समाज से भी अपने आप से भी, ऐसा कौन सा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लेके किस आरटीएम को कुछ घंटों में पता चल जाता है और उसी बालक गृह में प्रोबेशन ऑफिसर से लेकर दूसरे से कर देता रूटीन बेसिस पे करने जाते हैं उसका निरीक्षण, उनको कुछ भी पता नहीं चलता है, उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं, डायरेक्टर, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर, वहां का असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, वहां का असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, सीडब्ल्यूसी और कई तरह के इंस्पेक्शन, हमने तो अपने पीआईएन में और भी कई एडिशनल प्रे किए हैं, अमेंडमेंट करके हमने 16 पॉइंट्स नए हाईकोर्ट में फाइल किया, आईएफ फाइल किया, जिसको हाईकोर्ट ने ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अलाउ कर लिया है। अब होता है क्या, 3-4 महीने तक निवेदा जी ने टीकी का 3-4 महीने तक उसको दबा के रखा जाता है ऑडिट रिपोर्ट को, फिर एक एफआईआर होता है सीतामढ़ी में, ऑफिसर का मर्डर हो जाए, बिल्कुल गोली से भून दिया जाता है किस मे को, उसके बाद 31 में का एफआईआर होता है, एफआईआर में लिखा होता है सोशल ऑडिट के बेसिस में लिखा होता है जो उसमें सेक्सुअल एबुज का सेवरल 10 रिपोर्टेड सेक्सुअल एबुज, और सीएम के साथ बैठ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं जेटीस की रिपोर्ट में सेक्सुअल वाली बात है ही नहीं, मैं अजीब सी बात है। हाईकोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सारी चीजें मीडिया में आ गई, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के साथ बैठ के कहते हैं कि सेक्सुअल रिपोर्ट जैसे बात ही कुछ नहीं थी, उस रिपोर्ट में तो ये था जो 50 बच्चे को रखे, 52 बच्चे को रखे गए थे, हम लोगों को स्किल की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। किसको गड़बड़ में डालते हैं, किसको धोखा देते हैं, किसको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। मैं एक्चुअल में बैठा था जब मैंने सरकार के कोई प्रतिनिधि थे, मैंने उनको कहा जी आप ही बताइए आपको, उन्होंने कहा जी मेरी सरकार है जो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी निकालना चाहती है। हम बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीबीआई का जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है तो आपने जाके एक और एफआईआर किया है जो गरीब संस्था 11 महिलाओं को 4 बच्चों को गुम करके रखा है, उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद एक एफआईआर हुआ है जिस एफआईआर में कहा गया 11 महिलाएं गुम है। मतलब ये सरकार के प्रोटेक्शन में सारा हो रहा है, ये दुख की विषय है। आप जब इसके अंदर में जाएंगे, अभी जो मीडिया में रुपये है उसका 1% नहीं है, वो भी मीडिया के गले दबाने की क्या कोशिश हो रही है आपने देखा है, सब कुछ सरकारी पर, ये टैक्स पेयर के पैसे से टैक्स पेयर का रूप हो रहा है, टैक्स पेयर विद बाय टैक्स मनी, क्योंकि ये जितनी भी संस्थाएं चल रही है एक टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है, ये पैसा हमारा है, ये हमारा है। और सरकार कहते हैं हम तो खुद चलाएंगे, हम ये बता दें जो गवर्नमेंट के खुद चला रही है उसका भी रिपोर्ट वही है, अब ये कैसे स्वयं करेंगे जब ये सब कुछ बालकों का सुरक्षा होगा, क्यों, क्योंकि उनका मनसा ही सही नहीं है, मनसा इस बात से सही नहीं है। जब वही ब्रजेश ठाकुर की गिरफ्तारी होती है उसके बाद उस संस्था को करोड़ों का फंड दिया जाता है, अजीब सी बात है। एक तरफ जिसको आप एफआईआर करते हैं संस्था पे, उसी संस्था को आप फंड एलोकेट करते हैं, और कुछ नई बात नहीं है जो वो 3 अखबार चलाता है, प्रातः कमाल, न्यूज नेक्स्ट, आवाम बिहार, हालत बिहार, कुछ 100 प्रतियां छपती है, 67,000 छपी इस नाम पे एडवर्टीजमेंट का पैसा जाता है उनको, और आप पता कीजिए उसके मंत्री कौन है, मुखिया खुद है, लाखों का लाख रुपया उसके एडवर्टीजमेंट के नाम पर दिया जाता है, क्या किसी को मालूम नहीं कुछ भी, क्या ये सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। और उसके बाद भी 50 दिनों तक इस खबर को दबाने की कोशिश की जाती है, सरकार कहती है सीबीआई मैंने करवाया, इनके पास उपाय क्या था जरा मुझे बता दें, 31 मई को एफआईआर हुआ है, 26 जुलाई का अनाउंसमेंट हुआ है, हमने 3 जुलाई को पीआईए फाइल किया है, 26 जुलाई का जब हियरिंग शुरू होने वाली थी उससे कुछ घंटे पहले जाकर जो सरकार कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार है, तो कहते हैं मैं तो ट्रांसपेरेंसी चाहता हूं। हमने 3 जुलाई के पीआईएल में हमने कहा था हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग चाहिए, और
लागू सिर्फ और सिर्फ होता मुजफ्फरपुर का हो रहा है। मुजफ्फरपुर जैसा अलग से एक सत्तून और है जिस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अजीब सी बात है सर। और अभी कहते हैं उन्होंने 10 ऑफिसर को सस्पेंड किया। वो सस्पेंड क्या होता है आप समझ सकते हैं। 2-3-4 महीने के बाद मैं आपको हालात से क्या परिस्थिति में आपके पास अवगत करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने 10 एडीसीपी को सस्पेंड किया। मैंने कहा सस्पेंड करने से क्या होता है। दूसरी बात अभी एक डिप्टी कलेक्टर ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में कहा है हमने 1.5 साल पहले सर्टन मालवीडी को इधर नोटिस के लिए बंद करने का रिकमेंड किया था। वो मालवीडी तो चलता रहा हम पर वहां साधा दिया गया। अब सरकार कहती है हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। सरकार कहती है हमारा विल पावर है। सरकार कहती है हमारा नियत है। हम अपने बच्चों को सुरक्षा नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों के साथ जब ये कहते हैं तो आप सोचे हम किस नियत के साथ किस हैं। उस संस्थाओं का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। क्या अच्छी संस्थाएं नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं बिल्कुल सारी अच्छी नहीं अच्छी मिलती उनको दिया ही नहीं जाता है। किस बेसिस पे डील होता है। जैसे सड़कों का डील होता है सड़कों का ठेके का डील होता है उसी तरह बच्चों का हाथ में दे देते उसी तरह के ठेकेदार को उसी तरह के किस लोग इसमें आए हैं उस तरह की किस प्रकार हर हर प्रोफेशन में। मैं नहीं कहता हूं सिर्फ समाजिक संस्था में राजनीति में हो सकता है प्रशासन में हो सकता है सब तरह के मानसिकता के लोग हैं। सरकार सेलेक्ट किसको करती है सरकार किसको करती है। और मुजफ्फरपुर का मैं उदाहरण सिर्फ कहना चाहूंगा ट्रायंगुलर सेफ्टी का प्रॉब्लम है। वो वहां का वहां पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स किया है। आप कोलैप्स क्यों कह रहे हैं उसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लीगल इंस्टीट्यूशन है सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जिनको फर्स्ट लास्ट मजिस्ट्रेट का पावर होता है। उसका विकास कुमार एक मेंबर जेल में है उसका अध्यक्ष अभी तक फरार है जिसको अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। वो लीगल इंस्टीट्यूशन है सीडब्ल्यूसी जिनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर है बाल कल्याण समिति जो कल्याण के लिए। दूसरा सरकार का आज है एडमिनिस्ट्रेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसका काम प्रोटेक्शन देना है वो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में वो जेल में है। और संस्था जो वहां जिसका प्रेजेंस जिसकी नाम आप बार बार अखबारों में तमाम तरह मीडिया में उस चीज पर बात ही नहीं। ये कैसा हो सकता है कैसे हो सकता है सरकार को कुछ खबर नहीं। और यदि खबर है यदि चल रहा था तो सोचिए मैंने क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं सीजन का क्या हुआ हालत को हम सब वाकई प्रमुख से पैसे का था। वो घोटाला जो मैं उसको मानता नहीं हूँ वो तो पैसे का घोटाला जो होता है काम थोड़ा हुआ ज्यादा दिखाई गया वहां पर पैसा का सीधा पूरा ट्रांसफर हो गया है सीजन वाले में कोई तो बना है ही नहीं वहां तो सीधा इस अकाउंट से पैसा सीधा उस अकाउंट में चला गया। और इसमें हम आदमी आदमी को कर रहे हैं महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50% आरक्षण हमने उसको क्या तैयार कर पाए। अभी मैं मुखिया पर थी भले ही महिलाएं की वाइफ मुखिया होती है एमपी कहलाता मैं गांव में गया था बोले एमपी साहब है मुझे देख के नहीं लगाते एमपी हो सकते हैं तो बोले अच्छा एमपी हो कौन से लोग सभा के बोले नहीं नहीं आप समझे नहीं एमपी का मतलब मुखियापति ये एसपी साहब है मुझे देख करके नहीं लगे एसपी ये सरपंच पति। हमने महिलाओं को अभी पीएम आरक्षण देने के बाद भी हम पुरुष उनको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी भी मानसिकता है ये हमें भी तोड़ना पड़ेगा।